आज ही के दिन 1801 में भारत में पहले आयुध निर्माण कारखाने की स्थापना हुई। 1910 में आज ही के दिन स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले ने मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रावधान के लिए ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष प्रस्ताव रखा। 1922 में आज ही के दिन महात्मा गांधी को अदालत ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद राजद्रोह मामले में 6 साल की सजा सुनाई। 1940 में आज ही के दिन इटली के तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी ने इंग्लैंड और फ्रांस के खिलाफ जर्मनी का साथ दिया। 1944 में आज ही के दिन नेताजी के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज बर्मा की सीमा पार कर भारत में घुसी। 1965 में आज ही के दिन सोवियत संघ के अंतरिक्ष यात्री एलेक्सी लियोनोव ने पहली बार अंतरिक्ष में चहलकदमी की। 1966 में आज ही के दिन इंडोनेशिया में जनरल सुहार्तो ने सरकार बनाई। 1972 में आज ही के दिन नई दिल्ली में पहले विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन हुआ। 1978 में आज ही के दिन पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी देने का फैसला हुआ। 2006 में आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकार परिषद के गठन का प्रस्ताव मंजूर किया। और आज ही के दिन 2007 में उत्तर कोरिया ने परमाणु कार्यक्रम बंद करने का कार्य प्रारंभ किया।